तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप उन्हें इन्वेस्ट करते हैं तो आप डे बाय डे ग्रो करते जाते हैं और आपका फ्यूचर ब्राइट होता है, अच्छा होता है। और अगर आप इन्हें वेस्ट करते हैं तो आप डे बाय डे मुश्किलात में फंसते जाते हैं और जिसकी वजह से आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होता। वो तीन चीज़ों में से पहली चीज़ है पैसा। अगर आपके पास पैसा है, आप उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप डे बाय डे ग्रो करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपका काम है, आप अपने काम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं तो आप डे बाय डे ग्रो करेंगे, आपका काम फ्यूचर में अच्छा होगा और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर आप वही अच्छी करेंगे, इधर उधर के पूरे कामों में वेस्ट कर देंगे तो पैसा ज़ाया हो जाएगा और आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आता है इलम। अगर आपके पास इलम है और आप अपने तक महदूद उसको रखा हुआ है आपने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप अर्निंग भी कर सकते हैं और लोगों का भला भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बुक लिख के लोगों तक अपना इलम पहुंचा सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं और उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे चैनल बना लें तो यूट्यूब पर अपना इलम शेयर कर, नॉलेज शेयर करके आप पैसा भी कमा सकते हैं और लोगों तक अपना इलम भी शेयर करके अपनी पहचान भी बना सकते हैं और लोगों का भला भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है टाइम। अगर आपके पास टाइम है और आप उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप फ्यूचर अच्छा बना पाएंगे। अगर आप उसको इन्वेस्ट अच्छी जगह पे नहीं कर रहे, मतलब कि आप वेस्ट कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर फजूल घूमने फिरने जा रहे हैं, मोबाइल पे फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम जो आज गुजर गया वो पलट के वापस नहीं आएगा। टाइम को इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकें। तो आज ही खुद से वादा कीजिए करेंगे, बल्कि इन्वेस्ट करेंगे और वेस्ट नहीं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।